आरोपी की बहन ने लगाई पुलिस से गुहार। मतलब गलत है कि जो उनको काटा वटा दिया गया है ये गलत है, मेरे भैया ऐसे नहीं थे। कैमरे पर रोई आरोपी की माँ। तो हम सर हाजिर कर दिए बाबू को अपने, तो भी गोली पुलिस मार दी हमारे बाबू को। अच्छा। हम जमा करवा दिए सर जेल में ले जाकर। हमारे बेटे को छोड़ दे पुलिस। कौन करा, किसने कराया है? अभी तो जानकारी नहीं है। ठीक है, कौन कराया है भाई? मेरे बाबू को पुलिस ने क्यों मारी गोली? अब लड़का में बहुत क्या सर चल गया, मुझे मालूम नहीं। मोटरसाइकिल है उसके पास? मोटरसाइकिल किसकी मोटरसाइकिल लिया है? वो दूसरे का, किसी दूसरे का है, हमारा नहीं था। चीखती लड़कियां खेतों में दिन दहाड़े वारदात। कुछ दिनों पहले यूपी के देवरिया में स्कूल से लौट रही क्लास 8 में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। बाइक सवार 4 मनबड़ लड़कों ने पहले छेड़छाड़ की थी। वीडियो में दिखा था कि लड़कियां साइकिल से गिर गईं, जिसमें से एक लड़के ने छात्रा को धान के खेत में ले जाने के लिए खींचा। छात्रा चिल्लाने लगी, एक छात्रा जैसे तैसे वहां से भागी, वहीं दूसरी लड़की भागते समय खेतों में गिर गई। शोर सुनकर लोग दौड़े, तब जाकर बाइक सवार 4 युवक भाग निकले थे। दोनों छात्राएं साइकिल से परीक्षा देने गई थीं, परीक्षा देकर वो वापस आ रही थीं। अब देखिए इन आरोपियों के परिवार वालों का क्या हाल है। पुलिस के एनकाउंटर में घायल हुए आरोपियों को जब अस्पताल लाया गया तो ये हैवान अपनी शक्लें छुपा रहे थे, नाम बताने में शर्मा रहे थे। फिर पता चला इनमें से एक का नाम ऋतिक यादव है, दूसरे का नाम धीरज पटेल। कैसे अब ये खुद का मुंह छिपाते हुए अपना नाम बता रहा है? ये उस दिन बाइक पर सबसे पीछे काली शर्ट में बैठा हुआ था। जब यूपी तक पहुंचा इसके घर, इसकी बहन का कहना है कि उसके भाई को पुलिस छोड़ दे। मेरा यही कहना है कि वो मतलब जो है वो सही है, पर ये भी मतलब गलत है कि जो उनको काटा वटा दिया गया है ये गलत है, मेरे भैया ऐसे नहीं थे, वो गलत है। गोली उली मारे हैं, सब ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर गए हैं, और उनको बस ये मेरा सूचना है कि मतलब छोड़ दिया जाए। अच्छा। जो 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 घटना हुई है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है, मैं आपसे ये बात करूँगा, सीसीटीवी में जो घटना हुई है उसको लेकर तुम्हें क्या कहना है? क्योंकि तुम भी एक बेटी हो किसी की, लड़की हो, और वो भी किसी की बेटियाँ थीं, तो क्या कहना है इसको लेकर जो ये वारदात हुई है? जो मैं भी एक बेटी हूँ, वो भी एक बेटियाँ थी, पर मतलब इतना भी उनको मतलब ये मत किया जाए कि मतलब कि उसकी वजह से मतलब सबको ही बर्बाद हो जाए। यही मेरा कहना है कि मतलब उसका मतलब छोड़ दिया जाए। अब देखिए दूसरा, जिसका नाम धीरज पटेल है, यही उस सफ़ेद शर्ट में बाइक चला रहा था जब स्कूल जाती लड़कियों के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की थी। जब यूपी तक इसके घर पहुंचा तो इसकी मां ने क्या कहा वो सुनिए। इसकी मां का कहना है कि मेरे बाबू को पुलिस ने गोली क्यों मारी? क्या काम करता था? बिल्डिंग का काम करता। अच्छा, बिल्डिंग का हुआ था। तो उसको जो घटना के बारे में जब हुआ था उसकी जानकारी आपको किसी ने बताई? कैसे? कोई नहीं बताया। फिर मालूम तो हुआ होगा ना आपको, बेटा आपका पकड़ा गया भाग रहा है। जो अब देखे मोबाइल में तभी मालूम हुआ। अच्छा, तो वो 4 तारीख के बाद से घर पे आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, कल जब मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है तो क्या जानकारी आपको मिली है? तो हम सर हाजिर कर दिए बाबू को अपने, तो भी गोली पुलिस मार दी हमारे बाबू को। अच्छा। हम जमा करवा दिए सर जेल में ले जाकर। कब जमा करा? हमें मतलब कब 3 बजे तक को हमारे बाबू को लेकर जेल में डलवा दिए, और उसके बाद से पुलिस ने गोली मार दिया। 3 बजे कब, किस दिन? शाम को, आतवार के दिन था। तो वहीं ऋतिक यादव के पिता का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। जानकारी हुई होगी जब गिरफ्तारी हुई होगी तो हम घर पर नहीं था। अच्छा अच्छा, मैं घर पर नहीं था। क्या तो ये घटना क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि साहब वो तो गलती किया है, बाकी ये थोड़ा बहुत किया है और कराया गया है। अच्छा, कौन करा, किसने कराया है? अभी तो जानकारी नहीं है। लेकिन बाइक पर बैठा वो लाल शर्ट वाला आरोपी लड़का अब तक फरार है, जिसने दौड़ती लड़कियों का पीछा भी किया था, जिसको देखते ही लड़कियां चीखने लगी थीं। देवरिया के एक स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8 की 2 छात्राएं साइकिल से परीक्षा देने गई थीं। परीक्षा देकर जब वो लगभग 10 बजे करीब अपने घर के पास पहुंच चुकी थीं, तो स्कूल से महज 600 मीटर की दूरी पर बाइक पर सवार 4 लड़कों ने उन्हें घेर लिया।
उनके साथ छेड़खानी की गई। छात्राएं सड़क पर साइकिल से गिर गईं और छात्राओं को खेत में खींचकर ले जाने की कोशिश की गई। लड़कियां चिल्लाने लगीं। शोर सुनकर आसपास के लोग जब दौड़कर वहां पहुंचे तब जाकर लड़के भागे। लेकिन ये पूरी घटना कुछ दूरी पर लगे एक मकान में सीसीटीवी में कैद हो गई। अब तक पकड़े गए तीनों आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चौथा आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। यूपी की सभी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।